ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, डीडी ट्रांजिशन होती है बेटे, जब सीएफटी होती है तो यू नो टी टू जी और ईजी में ब्रेक कर जाते हैं, तो डीडी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो दैट इज व्हाई ये कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कलर्ड कब बनाएंगे? जब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है जी। मैग्नीज एग्जिबिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 अमंग द 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमने कितनी बार डिस्कस कर लिया। हाँ, तो 3D5 4S2 है, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है जब किसी को, तो +7 शो करता है। ये हमने कर चुके हैं। हम जो नए आए हैं उनको नया लग रहे हैं, अदरवाइज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। जनरली देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। यस, जनरली देयर इज इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टाइटेनियम टू सोडियम कॉपर इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। डेंसिटी क्या होता है बेटे? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमें पता है सीरीज अक्रॉस सीरीज जाते हुए मास बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मगर उतना इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लग जाता है। दैट इज व्हाई डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर जनरली फाउंड टू बी गुड कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं होते। क्वाइट, अभी स्टैंड अप, सेकंड बेंच। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है बेटे। डायरेक्ट अगर सीबीएसई ने इजी क्वेश्चन पूछने हैं तो इजी में क्वेश्चन यही आते हैं कि इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा है, इनके मेटालिक बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है, ये अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं। ठीक है जी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, ये गिने चुने जो इजी वाले क्वेश्चन है वो है। ठीक, अब इन्होंने ये पूछा है आपसे कि अच्छे कैटलिस्ट क्यों हैं। देखो, जब भी कोई चीज कैटलिस्ट बिहेव करती है तो उसके ऊपर कुछ चीज एड्सॉर्ब होती है आके, दैट इज सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है। जब सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती है तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। तो इनके पास इतनी प्रोबेबिलिटी है कि ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये गुड कैटलिस्ट है। समझ आ रही है? जितने भी आप ऑर्गेनिक में अगर रिएक्शंस देखते हो बेटे, ज्यादातर हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं इन्हीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यूज किया जाता है, चाहे वो निकल है, प्लेटिनम है, पैलाडियम है, रिडक्शन में यूज हो रहा है, आयरन है, आयरन HCl, टिन HCl, आपने अभी नाइट्रोसामीन बनाए हैं तो ये वाले कैटलिस्ट यूज करते हो, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देख लो। ठीक है, वो तो चलो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ये ज्यादा डी ब्लॉक के कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड हो गया आपका, डी ब्लॉक का कैटलिस्ट ही होता है क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। क्योंकि जब सरफेस पे कुछ एड्सॉर्ब होता है उस टाइम उसको वेकेंट डी ऑर्बिटल की अवेबिलिटी चाहिए, और इनके पास कि अगर ये +2 से +4 बन जाए तो जब रिएक्टेंट हटे उसकी सरफेस से फिर से वो +2 में आ जाए, तो इनके पास है ये प्रोबेबिलिटी। तो यू राइट कि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए ये अच्छे कैटलिस्ट हैं। ठीक है जी। ट्रांजिशन एलिमेंट अभी भी हमने किया, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड 2 बार ही पूछा गया, 2011 2010 में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, बोलो जल्दी। फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, चाहे उसकी ग्राउंड स्टेट चाहे एक्साइटेड स्टेट। अगर आप अकेला बेटे फुली फिल्ड नहीं लिख के आओगे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि फुली फिल्ड तो कॉपर भी है मगर वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में फुली फिल्ड नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका फुली फिल्ड ना हो, जिसे हम कहते हैं पार्शली या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में या किसी ना किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब कॉपर की केस में 3D10 4S1 है,
हालांकि वो फुली फिल्ड है अपनी ग्राउंड स्टेट में, अगर कॉपर टू पॉजिटिव बनता है तो 3D9 बन जाता है जब वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, मगर अगर जिंक की केस की बात करें तो ये 3D10 4S2 है, अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाते हैं इसमें से तो ये क्या रह जाता है 3D10। ओके, ये भी हम कर चुके हैं, अगेन टू डिस्कस 2010 में अगेन आ रखा है, नेम द ऑक्सो मेटल एनायन इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन विच मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू द ग्रुप नंबर। जिन्होंने किया जल्दी आंसर दे दो, हरी अप। ऑक्सो मेटल एनायन अकॉर्डिंग टू द ग्रुप नंबर, वेरी गुड। ठीक है जी, ये क्लास में आने वाले बच्चे हैं तभी आंसर आ रहे हैं बेटे जी, ये रोज आता है सक्षम, रोज आता है क्लास में। बेटे देखो, KMnO4 द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, KMnO4 में मैंगनीज की +7 है, K2Cr2 7 में क्रोमियम की +6 है। ठीक है जी, लगाओ लिखो, पहले तो आपके पास 21 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन्होंने तो लिखी हुई है, आंसर देते रहते हैं, आप भी जरा लिख लो, स्कैंडियम टू जिंक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सामने रखो तभी आंसर दे पाओगे इस ग्रुप के। हरी अब कहाँ लिखिए, हाँ लिखो जल्दी जल्दी, रोज आके मैं यही लिखवाती हूँ इनको, कल आ पाए हो, रोज नए चेहरे आते हैं, रोज यही चीज करते हैं। ये आप जब भी बेटे डी ब्लॉक करना शुरू कर लो तो आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी होनी चाहिए, इन्होंने इवन एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज की भी लिखी हुई है, तो आप वो भी जरा उतार लो, सक्षम उतार लिखी थी ना उस दिन, उन ये भी लिखवा दो, आते ही नहीं आप क्लास में। सिक्स मार्क्स का बेटे इनऑर्गेनिक में 2 चैप्टर्स हैं, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें से ये 6 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेशन 3 मार्क्स का है अकॉर्डिंग टू सैंपल। डी एंड एफ में सारी रिएक्शंस डिलीटेड है, KMnO4 K2Cr2 7 की रिएक्शंस आनी नहीं। क्या हाँ, तो वो तो आना है बेटे, वो तो डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक निकालना होता है, वो तो आना ही होता √10n+2, तो वो तो पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना है ना आपने, कितनी बोहर मूवमेंट है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, सारी कुछ भी नहीं है सिलेबस में, ऑक्सीडेशन नेचर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम पर मैग्नेट डिलीटेड है, कोऑर्डिनेशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री डिलीटेड है, स्टीरियो आइसोमर्स। बेटे सी, जो आप ट्यूशंस पे करते हो, जीएई और नेट की तैयारी कर रहे हो, स्कूल की बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको टीचर्स का सुनना पड़ेगा, आपको जब तक सिलेबस तक नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, सैंपल पेपर नहीं आपने अभी तक खोल के देखा क्या पैटर्न है। हरी अब राइट डाउन, देर आर 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है जी,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स नहीं है सिलेबस में, फेरेडेज की न्यूमेरिकल नहीं करने आपने, फेरेडेज का ओनली डेफिनेशन है सिलेबस में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल बी ऑफ 5 मार्क्स, ओके सरफेस, देन नेक्स्ट इज केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आर हीनियस वाली इक्वेशन डिलीट होगी है एंड दैट टू विल बी 5 मार्क्स अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर। अगर इसके बाद चेंजेस आते हैं हमें नहीं पता, ठीक है जी। देन देयर इज अ सरफेस केमिस्ट्री जो कि 3 मार्क्स की है, उसमें से भी काफ़ी डिलीटेड, आप जरा चेकआउट कर लेना, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ 6 मार्क्स की है, कोऑर्डिनेशन 9 मार्क्स की है, सॉरी 3 मार्क्स की है, टोटल 9 मार्क्स के हैं। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा है बेटे, नथिंग हैज बीन डिलीटेड, यस नहीं है, वो सारे हैं पूरे पूरे बेटे। ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स, वो हैं सिलेबस में। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको हो जाएगा 7 और आई थिंक जो है अमीन्स है दैट इज 6, टोटल 3 मार्क्स, ठीक है जी। करें हम आगे, अब हमारा क्वेश्चन था कि नेम द ऑक्सो मेटल एनायन इन द फर्स्ट सीरीज, तो ये फर्स्ट सीरीज लिखी हुई है, ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इन विच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू ग्रुप नंबर। अब देखो बेटे, क्रोमियम जब पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr27, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, K2Cr27 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। KMnO4 में क्या है, +7। क्रोमियम किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, मैग्नीज किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, 7। अगर इसके आगे से पोटेशियम हटा दो आप, MnO4 नेगेटिव लिख दो और यहाँ पे Cr2O72 नेगेटिव लिख दो, ये ऑक्सो मेटल एनायन बन जाएगा, ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नेम द ऑक्सो मेटल एनायन इन द फर्स्ट सीरीज, तो फर्स्ट सीरीज में ये 2 ऑक्सो मेटल एनायन हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, समझ आ रही है बेटे, ये दोनों ही आंसर है। हाँ अगर एक पूछी जाए तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, क्रोमियम इसमें क्रोमियम की +6 है जो ग्रुप नंबर 6 को ही बिलोंग करता है, कंपाउंड लिखोगे, आपसे क्या पूछा गया बेटे, नेम द ऑक्सो मेटल एनायन, नेम द ऑक्सो मेटल एनायन, एनायन कैसे बने जब आपने आगे से पोटेशियम को रिमूव कर दिया, समझ आ रही है, दीज आर एनायंस। राइट, वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड दैट ऑफ एक्टिनॉइड, कल ही करी हमने, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड बेटे दोनों में ही कॉन्ट्रेक्शन होती है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, जो लैंथेनॉइड है वो ज्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसके अलावा इनको तो पता है +2 +4 भी करता है जब वो हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड आता है, ठीक है जी, हम कर चुके हैं। मगर जो एक्टिनॉइड है इसके अलावा +3 +4 +5 +6 +7 भी शो करते हैं, क्योंकि इनके डी एफ और जो एस है उनमें गैप कम है, ठीक है जी। लैंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो एंटी पिनल्टीमेट शेल में जाते हैं जो एफ शेल है, ठीक है, उसके अलावा डी शेल भी पड़ी होती है जो पिनल्टीमेट है, इसके अलावा एस शेल भी पड़ी होती है, तीनों की शेल में एनर्जी गैप कम है तो तीनों के इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स हैं बेटे वो +3 शो करते हैं, इसके अलावा +2 और +4 करते हैं, हमने एग्जाम्पल करी है सीरियम, यूरोपियम, ये टर्बियम, टर्बियम इन्होंने करी है, देख लेना इनके पास बेटे पूरा बना हुआ है, ठीक है जी। ये भी कल किया है हमने क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। द Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन
टूअर्ड्स देयर प्लस थ्री स्टेट। देखो जरा इधर बोर्ड की तरफ देखो, और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखी है उसको देखो जरा, आंसर आप अपने आप दोगे। ये कह रहे हैं जी एम एन टू पॉजिटिव कंपाउंड है, वो एम एन थ्री पॉजिटिव जल्दी से नहीं बनते, मगर एफ ई टू पॉजिटिव एफ ई थ्री पॉजिटिव जल्दी से बन जाएंगे। क्यों? खुद दो आंसर, हरी अप। एम एन टू पॉजिटिव क्या होगा? थ्री डी फाइव, दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं ऐसे, हाफ फिल्ड ऑलरेडी है बेटे। आयरन थ्री डी सिक्स है, टू इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर गए, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो थ्री डी फाइव बन जाएगा, जो कि हाफ फील्ड है। इसलिए यही क्वेश्चन हमने ऐसे किया था कल कि आयरन टेन टू गेट ऑक्सीडाइज फ्रॉम एफ ई टू पॉजिटिव टू एफ ई थ्री पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन होती है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नहीं होती टू पॉजिटिव में। सेम आंसर ही है, मैग्नी ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एम एन टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ऑलरेडी हाफ फिल स्टेट में पड़ा है, मगर आयरन टू पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इट विल फॉर्म थ्री पॉजिटिव। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन बाय अस इन द क्लास अगेन। अब ये 3 मार्क्स के चल रहे हैं, देखो 3 मार्क्स के कैसे चल रहे हैं, ये मैंने फर्स्ट ऐसे आया पेपर में, असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग, तो फर्स्ट पार्ट ये था। ऐसे ही बेटे आपके इस बार ही आएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कोई भी 2 मार्क्स का आता है किसी भी चैप्टर में से, तो एक पार्ट नहीं बन के आता, टू सब पार्ट होते हैं 1 1 मार्क्स के। ऐसे इसमें है, ये देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थ्री सब पार्ट है, तो पहला पार्ट ये था। सेकेंड पार्ट क्या है? इन द 3D सीरीज ऑफ सेकेंडियम टू जिंक, देन थेल्फी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। ये हमने कल ही किया, जल्दी दो। जिंक की इन थेल्फी ऑफ एटमाइजेशन लोएस्ट क्यों है? हाँ जी यस, फुली फिल्ड है, ठीक है जी। तो आप आया करो बेटे, जिंक देखो इनथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है बेटे, किसी को एटम में कन्वर्ट करने की जो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है जी। बाकियों में डी फुली फिल्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जिंक में क्या है? 3D फुली फिल्ड है, जब फुली फिल्ड होंगे तो डी डी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, इंटर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, ठीक है। तो जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है सबसे कम होती है, क्योंकि 3D जिंक का फुली फिल्ड है और एस भी फिल्ड है उसके पास, तो एस भी नहीं है आप फिर, समझ आ रही है। तो इंटर जो है मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडियम थ्री पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते रहो, जिनको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वही सारे आंसर दे पाएंगे। तो बोर्ड की तरफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते रहो, सारे आंसर आते जाएंगे, ठीक है जी। सेकेंडियम थ्री पॉजिटिव इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन, वेयर एज टाइटेनियम थ्री पॉजिटिव इज कलर्ड। देखो थ्री पॉजिटिव, 3D1, 4S2 सारे इलेक्ट्रॉन चले गए सेकेंडियम में, टाइटेनियम में 3D2, 4S2 तीन इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3D1 है, तो DD ट्रांजिशन हो सकती है। जब DD ट्रांजिशन होती है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे आपके पास, या मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन आए या कलर्ड पे क्वेश्चन आए, आना ही होता है मैग्नेटिक मूवमेंट और कलर्ड पे, आपका एक ही आंसर होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ आ रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और जब कलर पे क्वेश्चन आता है तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को आप आगे एनहेंस करके बताते हो डीडी ट्रांजिशन, ठीक है जी। पैरामैग्नेटिक वही होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, ठीक। अगर पूछा जाए कि ये पैरामैग्नेटिक है तो आपने देखना है अनपेयर्ड है या नहीं है, अगर पूछा जाए कलर्ड है तब भी आपने यही पूछना लिखना है कि अनपेयर्ड है तो कलर्ड है, ऑब्वियसली कलर्ड है आपकी, उसके अलावा आपने डीडी ट्रांजिशन लिखनी है, ठीक है जी। अगर पूछा जाए इनकी इनथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों ज्यादा है, तब आप बोलोगे इनके मेटैलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इनके मेटैलिक बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इनके N-1D और NS दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये गिने चुने क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इनके N-1D और NS
दोनों ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर एनएस अकेला करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, डी पार्टिसिपेट करने शुरू करेंगे, जितने डी के करते जाएंगे उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती जाएगी इसकी, ठीक है। अब क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इसलिए गुड कैटलिस्ट है, समझ आ रही है। ये पेट क्वेश्चन है सीबीएसई के, सीधा सीधा पूछ जाते हैं बेटे सब्जेक्टिव में। मैं फिर कह रही हूँ आपको लिखने की हैबिट नहीं है, बट ये क्वाइट इजी है इस बारे, क्योंकि हमें पता है कि क्या क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में तो एज टीचर्स हम भी कहते हैं हमें भी नहीं पता था पेपर में क्या आना, अब सब्जेक्टिव में तो हमें 10 ईयर्स के पेपर इतने हम स्क्रूटनाइज कर लेते हैं कि हमें पता होता है कि ये गिने चुने क्वेश्चन इन्होंने ऐसे ही पूछने, समझ आ रही है। हाँ जी, अब मैंने ये भी पूछा हुआ है और टेस्ट में भी पूछा हुआ है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इज एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, यस सक्षम, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। देखो ये KMnO4 है, ये K2Cr2O7 है, ठीक है जी। अगर Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो सिर्फ ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ ही, अदरवाइज ये Mn2 पॉजिटिव दिखाएगा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव दिखा देगा। अगर +6 या +7 बन रहा है तो वो ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्साइड बन के या फ्लोरीन के साथ, दो चीजों के साथ ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिनकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही किसी से इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे, कोई आम बंदा थोड़ी ना खींच पाएगा आके। अब ऑक्सीजन है सबसे हाईएस्ट 3.5 के बाद फ्लोरीन 4 ने इलेक्ट्रॉन खींच लेने हैं उससे, तभी वो +7 शो करेगा, अदरवाइज ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर पाएगा, समझ आ रही है। हाईएस्ट तभी कोई चीज शो करती है जब अगला भी इलेक्ट्रॉन उससे खींच के उसको हाईएस्ट बनाए, गॉट द पॉइंट, समझ आ रही है। अब यही मैंने आगे इनको ये भी करवाया है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटे कि अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, हालांकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ शो करते हैं। अगर मैग्नीज है तो हाईएस्ट शो कर रहा है +7, ऑक्सीजन के साथ शो कर रहा है, फ्लोरीन के साथ +4 तक चला जाएगा, समझ आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास कैपेबिलिटी है डबल बॉन्ड बनाने की, ऐसी कैपेबिलिटी फ्लोरीन के पास नहीं है, समझ आ रही है। ये कंफ्यूज करते हैं, ये कहेंगे व्हाइल फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द प्रोडक्ट टेबल, येट इन द ऑक्साइड डी ब्लॉक एलिमेंट शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, द आंसर लाइक कि ऑक्साइड में ऑक्सीजन हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म डबल बॉन्ड, दिस कैपेबिलिटी इज नॉट गिवन बाय फ्लोरीन, समझ आ रही है। ये पेट क्वेश्चन है सीबीएसई के, इसके अलावा वो पता जाती भी नहीं इधर उधर। अब ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है, ध्यान से सुनो। E नॉट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव, E नॉट वैल्यू फ्रॉम Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव, कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव एंड Fe और Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव, यस। E नॉट पॉजिटिव होने का मतलब क्या, पहले मुझे ये बता दो जरा, फिर ही क्वेश्चन का आंसर दोगे आप। रिडक्शन, हाँ रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी ज्यादा है बेटे, आपको मैंने बताया है कि देखो E नॉट क्या बताती है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी। E नॉट टेल्स यू अबाउट जितनी पॉजिटिव में होती जाएगी उतनी रिडक्शन होने की कैपेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इजंट इट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके ऊपर डिपेंड है, E नॉट के ऊपर। E नॉट में क्या लिखा हुआ है आपने, रिडक्शन पोटेंशियल, दो तरह की पोटेंशियल होती है बेटे,
एक होती है रिडक्शन, एक होती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी, ठीक है, और ऑक्सीडाइज का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब होता है ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी। तो अगर आप देखो कि -3, मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती हूँ, -3 0 +3, सबसे कम रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी किसकी है? लिथियम की। वो दूसरे को रिड्यूस करती है, मेटल है ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो उसकी सबसे कम है। तो इसकी नेगेटिव में सबसे ज्यादा है ई नॉट, अगर आप देखोगे ना घर जाके टेबल, तो -3 के आसपास है उसकी, ठीक है। सबसे ज्यादा रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी किसकी है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन की। उसकी ई नॉट वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, +2.87, जिसको हम +3 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। इसमें रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो +3 के आसपास फ्लोरीन की आ जाती है, ठीक है। जो ई नॉट सीरीज में माइनस में ऊपर पड़ा है, वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस कर देते हैं जो नीचे पड़ा है उसकी, ठीक है। जितनी पॉजिटिव में ई नॉट वैल्यू होगी, इसका मतलब उसकी रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी ज्यादा है। अब इसको ध्यान से देखो, ये कह रहे हैं जी Mn3+ से Mn2+ बनने की कैपेबिलिटी ज्यादा पॉजिटिव में, एज कंपेयर टू Fe3+ से Fe2+ बनने की। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखो, आपके पास आंसर खुद आएगा। पहले देखो, Mn3+ का मतलब Mn क्या है? 3d4 इलेक्ट्रॉन लेगा जल्दी से दूसरे से, रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इसकी रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ आ रही है? क्योंकि ये क्या बनना चाहेगा? हाफ फिल, ठीक है जी। अब ये क्यों नहीं बनना चाहेगा? ये क्यों, ये क्या है? पहले अगर मैं इसको, ये क्या बन जाएगा? 3d 3d3 हो जाएगा। नहीं, Cr3+ का मतलब क्या है? 3d3, इसका T2g हाफ फील्ड है। जब आपके क्रोमियम का, मैंने ये क्लास में कितनी बार इनको तो सुन चुके हैं, ये क्रोमियम की T2g हाफ फील्ड होती है, मैग्नीज की 3d5 हाफ फील्ड होती है। समझ आ रही है? CFT पढ़ी है ना आपने सबने, हैं? हाँ, CFT में ये D होते हैं, ठीक है। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ये D ऊपर चले जाते हैं, थोड़े से हाइयर हो जाते हैं, और फिर इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो ये T2G और EG बन जाते हैं, याद है? T2G इवन लोअर है सिंपल D से, ठीक है। क्रोमियम का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपके पास एक ही आंसर है, T2G हाफ फील्ड। कल भी मैंने बोला था ये, इसलिए हंस रहा सक्षम, इन्होंने याद किया, T2G हाफ फील्ड है, ठीक है जी। क्रोमियम का T2G हाफ फील्ड होता है Cr3+ में, सी आर कोई नहीं, आपको जब हम कोऑर्डिनेशन में कराऊंगी ना, तब बताऊंगी T2 क्या है, ये होता है T2G और ये होता है EG, ये तब करेंगे हम, ठीक है। ये DXY है, YZ है, ZX है ऊपर वाला, DX²-Y² है, DZ² है, ये कोऑर्डिनेशन में आती है। एक CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हाँ जी, टर्म टू में करा दी मैंने, करा दी। हम तो रिवीजन कर रहे हैं बेटे, हम तो रिवीजन कर रहे हैं, आप सिलेबस हमने खत्म कर लिया, ठीक है जी। बहुत बुरी हाल है, समझ आ गई? क्रोमियम जब 3D बनता है ना बेटे, 3D3, ध्यान से देखो, क्रोमियम 3D3 स्टेबल है, ध्यान रखना है हमेशा, क्रोमियम 3D3 स्टेबल है, क्योंकि इसका T2G हाफ फील्ड होगा। समझ आ गई? Mn2+ स्टेबल है, क्योंकि इसकी D5 होगी। Fe3+ स्टेबल है,
इसकी 3D 5 हो जाएगी। इन तीनों की कंफिगरेशन रटी होनी चाहिए, क्वेश्चन इन तीनों पे या कॉपर पे या जिंक पे। जिंक पे तो यही आता है कि इसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोवेस्ट क्यों है और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों ही बोलते। इस पे तो दो क्वेश्चन यही है बस, समझ आ रही है? लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एटम में कन्वर्ट करने के लिए। जब इसका 3D10 4S2 फुली फिल्ड है ही नहीं, अनपेयर्ड नहीं है, वो मेटैलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, DD ओवरलैपिंग ही नहीं होगी, तो इसके जो एटम में चेंज होने की एनर्जी वो क्या लगेगी हमारी? कम लगेगी। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना है। क्रोमियम का 3 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम मैग्नीज 3+ में लेके जाएं तो ये क्या है? नहीं नहीं मैग्नीज 3D4 हो, लिखो मैग्नीज 3D4 हो और क्रोमियम 3D4 हो। कब होगा मैग्नीज 3D4 Mn3+ में? नहीं होएगा, होएगा। कब क्रोमियम 3D4 होगा? Cr2+ में होगा कि नहीं होगा? ये दोनों 3D4 में है। ये क्या है? एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। दोनों का 3D4 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है। ये क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ये 3D4 से 3D3 बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका T2G हाफ फील्ड है। समझ आ गई? किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये खुद क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रही है? पेट क्वेश्चन है CBSE का। मैग्नीज और क्रोमियम जब 3D4 कंफिगरेशन में होते हैं, मैग्नीज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्रोमियम गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ आ रही है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन देना है, क्योंकि इसने T2G हाफ फील्ड करनी है, इसने इलेक्ट्रॉन लेना है क्योंकि इसने 3D हाफ फील्ड करनी है। 3D4 में मतलब Mn3+ में। Mn3+ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cr3+2+